Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगा. घर पे ठंड पड़ रही है. बढ़िया, नाइस. तो सर, कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? आई होप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. तो माय नेम इज़ दीपक वार्ष्णेय एंड दिस इज टेस्ट बुक. वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर SSC JEE. तो ये हमारा इट्स अबाउट 8th-9th सेशन, ठीक है, जिसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपना, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का, जिसमें मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जब कंप्लीट होता है सर, उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सो समवॉट होता क्या है कि वी कैन एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज फार एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स आर कंसर्न, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है. तो ये भी उसी का पार्ट मानिए आप. तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल प्लस क्लासिफिकेशन एंड क्ले मिनरोलॉजी इट्सेल्फ, ये तीनों मिला के जो मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 सवाल आए हैं, 50% सवाल आए हैं, 60% सवाल आए हैं, इसका मतलब है मैं तीनों की बात कर, ठीक है सर. तो आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के लेक्चर्स रहे. तो बाकी के लेक्चर्स में सर हमने क्या देखा? बाकी के लेक्चर्स में हमने देखा कि सॉइल इज अ 3-phase सिस्टम, उसके बेसिस पे ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक जो वेरिएशंस है, जो प्रोपोर्शंस है, उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टीज डिसाइड की, है ना, प्रॉपर्टीज स्टडी किया, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डेंसिटी, है ना, यूनिट वेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, नाइस. फिर हमने देखा कि बेसिकली द प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर देयर और विच वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई द सॉइल, जिससे हम सॉइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज. और जो सॉइल का लोड कैरिंग बिहेवियर गवर्न करती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं सर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. फिर हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स प्रॉपर्टीज, हाउ टू डिटरमाइन इंडेक्स प्रॉपर्टीज इन आर लैब. तो लैब में हमने देखा भाई वाटर कंटेंट के लिए कैसे अवन ड्राइड मेथड है, फील्ड मेथड्स भी देखे, ठीक है. हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए देखा कि पिकनोमीटर इज अ मेथड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी. फिर हमने इन सिटू डेंसिटी देखा एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अच्छी बात है सर. इस बीच इसके बाद हमने देखा सर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल. कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में हमने देखा कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट. तो हाउ द वेरिएशन ऑफ वाटर इज चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ सॉइल, तो ये सारी चीज़ें देखी, बहुत बढ़िया. उसके बाद सर पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पार्टिकल साइज एनालिसिस. तो पहले हमने कोट्स ग्रेन पार्टिकल साइज एनालिसिस किया, द एनालिसिस ऑफ पार्टिकल विच आर हैविंग सॉर्ट ऑफ लार्जर साइज, है ना, जिसका थोड़ा साइज बड़ा है. तो ग्रेवल और सैंड के लिए हमने कोर्स ग्रेन एनालिसिस किया उस दिन, मतलब द प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सीव एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट CU and CC, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. और फिर उसके बेसिस पे वी हैव डिसाइडेड द सॉइल इज वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड. फिर मैंने बताया आपको कि सर सीव का एक लिमिटेशन होता है कि हम मतलब बहुत माइन्यूट पार्टिकल को सीव, उसका सीविंग नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू सीविंग ऑफ वेरी माइन्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना. तो उसके लिए फिर सर क्या करेंगे, तो हम द प्रीवियस लेक्चर इज ऑल अबाउट दैट ओनली. तो हमने उसमें देखा कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज द टेक्निक वी हैव यूज टू क्लासीफाई और टू एनालाइज द पार्टिकल साइज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स. तो सिल्ट और क्ले का एनालिसिस हमने किया बाय सेडिमेंटेशन एनालिसिस. वहां पर हमने देखा दो चीजें, सेडिमेंटेशन के लिए पहला हमने देखा पिपेट मेथड एंड सेकंड वन इज हाइड्रोमीटर मेथड. तो दोनों ही चीजें हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं. अगर आपने देखे हैं लेक्चर्स तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन अटक नहीं रहे होंगे, ठीक है. इन माई एक्सपीरियंस ऑफ 6 and 7 ईयर्स मैंने तो देखा नहीं कि पढ़ाने के बाद क्वेश्चन अटकता है. अगर आपका अटक रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, और फिर भी अटकता है तो फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, और आपकी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है सर.
सो आज हम देखने वाले हैं सर ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस पार्टिकल साइज एनालिसिस. नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई आर सॉइल, ठीक है. एंड इन द एंड देर इज अ स्मॉलर पोर्शन विच डील्स विद द क्ले मिनरोलॉजी. लुक, क्ले मिनरोलॉजी इट सेल्फ इज अ इट्स अ सब्जेक्ट, है ना. क्ले की मिनरोलॉजी पढ़ना डिटेल में इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट एज फार एज द कॉम्पिटिशन आर कंसर्न, जहां तक कि आपके कॉम्पिटिशन की बात आती है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. तो हम इसको भी कवर करेंगे एंड विल सपोर्ट विल कॉन्क्रीट वी कंसोलिडेट आर स्टडी विद द क्वेश्चन. और ये लाइन तो मेरी हर वीडियो में सुनोगे आप. एक ही तरीका है पेपर क्वालिफाई करने का, वो है सर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. तो थोड़े मैं कराता हूँ, थोड़े आप खुद से करेंगे, ठीक है सर. सो माय नेम इज दीपक वार्ष्णेय एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की जब मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मोर ओवर, है ना. और भी छोटे छोटे कई सारे हैं, टेक्सचरल ये वो, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. यूएससीएस क्लासिफिकेशन, ठीक है. यूएससीएस क्लासिफिकेशन विच इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है. सेकेंड इज आस्थो. आस्थो इज अ अमेरिकन सोसाइटी, इट्स अ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट. तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है, आपको दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन फॉर हाईवेज एंड ऑल. तो जब सॉइल आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होगी, तब उसका क्लासिफिकेशन आस्थो के करस्पॉन्डिंग हम करेंगे, ठीक है. एंड द थर्ड इज ISSCS विच इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ISSCS किस पे बेस्ड है, ऑब्वियसली हमने खुद से तो बनाया नहीं है, वी हैव टेकन सम रेफरेंसेस, ठीक है. और हमने किसका रेफरेंस लिया है सर, हमने लिया है USCS का रेफरेंस. सो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन USCS, ठीक है. अगर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो एक बार हाय हेलो हो जाए, तो फिर स्टार्ट करते हैं. यूएससीएस में स्टार्ट करता हूं, ISSCS आपको खुद ही आ जाएगा. और रही बात आस्थो की, तो आस्थो में जो ग्रुप इंडेक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे. जहां पर ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल हम देखते हैं, है ना, वहां पर हम आस्थो को करते हैं कवर, क्लियर. तो जियोटेक की जहां तक बात है, यूएससीएस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो अपन यूएससीएस स्टार्ट करते हैं, ठीक है. गुड. तो सर यूएससीएस इट वॉज गिवन बाय, ये तो नाम आपने अब बहुत बार सुन लिया है, ए कैसा ग्रांडे, है ना. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नेम. एक और नेम है, वो है टर्जागी. तो टर्जागी, मिस्टर टर्जागी इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. और इनको आप चाचा समझ लो फिर, ठीक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है. जैसे हमने देखा कंसिस्टेंसी, जो लिमिट्स हैं, जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है, उसके बारे में भी हमें किसने बताया, कैसे ग्रांड, क्लियर. सो इट इज अडॉप्टेड बाय BIS विच इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. हेंस IS क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिस्टम. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, है ना. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो सिस्टम है ISSCS वो USCS पे बेस्ड, ठीक है सर. तो जैसे हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था, वैसे ही हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी करेंगे ऑन टू बेसिस, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन, ठीक है सर. नाइस. तो कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस्ड होता है सर, वो बेस्ड होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड फाइननेस पे. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेडेशन कर्व इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल. सो ग्रेडेशन कर्व इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है. यहां पर जो क्लासिफिकेशन है फाइन ग्रेन सॉइल का, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन प्लास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, कि हाउ कंप्रेसिबल द सॉइल इज एंड हाउ प्लास्टिक द सॉइल इज, ठीक है. तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि दोनों सॉइल को मैं किस तरीके से क्लासिफाई करूंगा. ऑब्वियसली पार्टिकल साइज इज द मेजर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, जिससे ऊपर रहेगा तो कोर्स ग्रेन, जिससे नीचे रहेगा तो फाइन ग्रेन. लेकिन ओवरऑल जब मैं सब क्लासिफिकेशन की तरफ जाऊंगा तो मेरा फोकस चेंज होगा इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन एंड इन केस ऑफ फाइन ग्रेन. गुड, नाइस. तो सिंपल सी बात है सर, आपके सॉइल कंटेंट में, आपके सॉइल डिपॉजिट में, आपके सॉइल सैंपल में जो डोमिनेटिंग है वो तो मेजर सॉइल हो गया. डोमिनेशन कैसे पता चलता है भाई, संसद में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, किसी भी वोटिंग में क्या होता है, 50% से ज्यादा वोट मिले तो सर आपके फेवर में हो जाएगी बात. तो अगर
इफ मोर देन और इक्वल टू 50% पार्टिकल बाई वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पार्टिकल साइज एनालिसिस भी हमने बाई वेट ही किया है। पार्टिकल साइज एनालिसिस इज बाई वेट ओनली, है ना। गलती से भी वॉल्यूम का जिक्र कर लेना, वॉल्यूम हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यहां पर जितनी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वो सब बाई वेट है, ठीक है। बाई वेट आर रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सी। सो इफ मोर देन और इक्वल टू 50% पार्टिकल्स बाई वेट आर रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन 0.075 mm सीव पे अगर रिटेन कर जाते हैं 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल्स, देन योर सॉइल विल बी कोर्स ग्रेन सॉइल। योर सॉइल विल बी कोर्स ग्रेन सॉइल। कैसी सॉइल हो जाएगी सर? कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। आइए आइए, वेलकम वेलकम, हाय हेलो हो जाए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक, 50% से ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन से बढ़ा है तो ऑब्वियसली सॉइल कैसी हो जाएगी सर? मेरी कोर्स ग्रेन। अगर उल्टा हो जाता है, 50% पार्टिकल्स पास्ड या गेट सीव्ड थ्रू दिस साइज, तो मेजॉरिटी किसकी होगी सर? फाइन ग्रेन सॉइल की। द सॉइल आर कॉल्ड फाइन सॉइल्स इफ मोर देन 50% पार्टिकल्स बाई वेट पास थ्रू दिस पर्टिकुलर सीव। तो सबसे पहले तो यही देख लेंगे कि किसका डोमिनेशन है, कोर्स ग्रेन सॉइल का या फाइन ग्रेन सॉइल का, ठीक है। सर यहां पर मैंने कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन लिखा नहीं है क्योंकि आपको पता है, अब मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। ग्रेवल, ये हम पिछले कई लेक्चर में बता चुके, ग्रेवल एंड सैंड आर कोर्स ग्रेन, ठीक है, आर कोर्स ग्रेन। क्या साइज है सर? क्या साइज है? ग्रेवल का साइज इज 4.75 mm टू 80 mm, एंड सैंड का साइज क्या है सर? 0.075 mm टू 4.75 mm, ठीक है। इससे अगर छोटा पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इट इज फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन में क्या आता है? सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, गुड। तो सर कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तीन चीजें इंपॉर्टेंट, क्या? एक तो फाइननेस मॉडुलस, फाइननेस मॉडुलस, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई अ कोर्स ग्रेन सॉइल, टू क्लासीफाई अ कोर्स ग्रेन सॉइल। गुड इवनिंग उत्कर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन सी ईयर में है, कौन सी ब्रांच है? ठीक है, तो तीन चीजें, जब तक उत्कर्ष का आंसर आ रहा है हम आगे बढ़ जाते हैं। तीन चीजें हैं, फाइनेस मॉडुलस, परसेंटेज फाइनर की बात नहीं हो रही है, फाइनेस मॉडुलस की बात हो रही है। इट्स अ डिफरेंट पैरामीटर, इट्स अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, जो आप पहले देख चुके हैं, सी यू एंड सी सी। अच्छा सर, फाइनेस मॉडुलस क्या है? फाइनेस मॉडुलस इट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन सॉइल प्रेजेंट इन द कोर सॉइल। आपके कोर सॉइल में कितना फाइन सॉइल है ये बताता है कि फाइननेस मॉडुलस क्या है। गुड इवनिंग एसके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आपके टोटल सॉइल में, कोर्स ग्रेन सॉइल में फाइन सॉइल कितना है ये बता रहा है सर फाइननेस मॉडुलस कितना है, ठीक है। तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता देता हूं कि हम कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बताया तीन चीज पे डिपेंड करेगा, फाइननेस मॉडुलस, सी यू एंड सी सी, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड परसेंटेज, वो सॉरी फाइनेस मॉडुलस, ठीक है। तो हमने फाइनेस मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया कि इट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन सॉइल इन कोर्स ग्रेन सॉइल। एग्जाम्पल समझ लो, चलो है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है ना प्रैक्टिकल करने से, रेंचो की तरह। तो चलो देखो सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे टोटल सॉइल में 5% क्ले था और 2% सिल्ट था, तो फाइन सॉइल तो दोनों ही है, तो टोटल फाइन सॉइल कितना हो गया? टोटल फाइन सॉइल हो गया सर 5 + 2, विच इज 7%। दिस इज माई फाइनेस मॉडुलस, ये मेरा हो गया सर फाइनेस मॉडुलस। क्लियर है बात? तो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना फाइन सॉइल आपके कोर सॉइल में है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सॉइल कैसे किस तरीके से क्लासीफाई होगा, ठीक है। चलो अच्छा सर, अब ये कुछ नोटेशन या प्रीफिक्सेस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है,
आपसे ये नहीं पूछेगा डिटेल में कि भाई कैसा सॉइल है, तो नीचे लिखा होगा सैंड कंटेनिंग ग्रेवल या ग्रेवल ग्रेवल लिखा है या क्ले लिखा है या कुछ लिखा है। हो सकता है लिखा हो सकता है ना लिखा हो, ठीक है, हो सकता है ना लिखा हो। तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर दीज सिंबल्स, ठीक है। तो जी से ग्रेवल, जी से ग्रेवल, तो जी ही सिंबल है इसका, जी फॉर ग्रेवल, एस इज फॉर सैंड। अब सर एस तो कवर कर लिया सैंड के लिए, तो सिल्ट के लिए क्या लाएंगे, तो एम इज फॉर सिल्ट, सी इज फॉर क्ले विच इज ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, है ना, इनऑर्गेनिक, इसका इनऑर्गेनिक ओरिजिन है जो वेदरिंग से बनी हुई है, ठीक है। ओ ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, ओ ऑर्गेनिक क्ले, इसका ओरिजिन क्या है सर, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पीट इज पीटी, ठीक है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। डब्ल्यू इज फॉर वेल ग्रेडेड, ये सफिक्सेज हैं, ये पीछे लगेंगे, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये वर्ड आगे, ये सिंबल शुरुआत में आएगा, ये सिंबल सफिक्स पीछे आएगा, ठीक है। पी पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी सॉइल है तो एम, क्लेई सॉइल है तो सी। इफ डब्ल्यू एल इज लेस देन 50%, डब्ल्यू एल क्या है सर, लिक्विड लिमिट, डब्ल्यू एल इज लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो ये लो प्लास्टिक, ये हाई प्लास्टिक, ये डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है, ये दोबारा दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ज्यादा मत समझो, इतना समझो जितना मैंने बताया, यहां तक समझो, ठीक है, गुड, ठीक है सर। सब क्लासिफिकेशन आ जाते हैं कि भाई अब सब क्लासिफाई कर दो। कोर्स ग्रेन सॉइल तो मैंने पता कर ली कि 50% या उससे ज्यादा रिटेन कर जा रहा है, अगर 75 माइक्रोन पे तो सॉइल इज कोर्स ग्रेन। अच्छा कोर्स ग्रेन में कौन सी है, ठीक है, क्या शेयर कर दूं सर, बिल्कुल शेयर करो सर, बिल्कुल शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो। ज्ञान तो सर बांटने से ही बटेगा, ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ेगा, बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप उनको फटाफट से बुला लो, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है, फटाफट से शेयर कर दो, बुला लो सबको, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ठोक दो, ऐसे ही चलता है ना YouTube YouTube पे ऐसे ही चलता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो शेयर कर दो, ठीक है। चलो, तो 50% से ज्यादा पार्टिकल इज रिटेनिंग ऑन द 75 माइक्रोन सॉइल सीव, देन द सॉइल इज कोर्स ग्रेन। 50% बाई वेट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुन लो, चलो एक और एग्जाम्पल सुन लो। 1 किलो सॉइल है आपके पास, 1 kg, 1000 ग्राम। इफ 600 ग्राम इज, हाँ, एवरीडे चलता है क्लास, एवरीडे चलेगा, एवरीडे चलता है, ठीक है, पुराने आप वीडियोस देखो, एवरीडे चल रहा है, ठीक। अच्छा, नो इश्यूज, एवरीडे चलता है बेटा, रात को 10:30 से 11:30, ठीक है, 10:30 से 11:30 लाइव सेशन रहता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन द चैट ओनली, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1000 ग्राम आपका सॉइल है, इफ 600 ग्राम इज रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन, तो 60% हो गया ना, तो सॉइल आपका कोर्स ग्रेन हो गया। अब कोर्स ग्रेन में सर ग्रेवल है, सैंड है, किस तरीके का सॉइल है, तो ये सर हम कर रहे हैं सब क्लासिफिकेशन, ये हम कर रहे हैं सर सब क्लासिफिकेशन। चलो सर, तो मैंने बताया था तीन चीजों पे बेस्ड होगा, पहला है सर फाइनेस मॉडुलस, तो व्हेन फाइनेस मॉडुलस इज लेस देन 5%, यानी कि आपका फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल जो है आपका वो 5% से कम है, ठीक है। मैंने आपको अभी फाइनेस मॉडुलस बताया 2 मिनट पहले, ठीक है। तो सर अगर कोई चीज सर 5% या उससे कम है, क्या ही उसका असर होगा, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेगा वो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। तो सिर्फ ग्रेवल रहेगा और सैंड रहेगा, नाम में भी ग्रेवल रहेगा सैंड रहेगा, बस आपको ये बता देना है कि पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। तो सर ग्रेवल के लिए क्या सिंबल, जी, सैंड के लिए क्या सिंबल, एस, ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स से, वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड,
तो वेल ग्रेडेड डब्ल्यू पुअरली ग्रेडेड पी, पहले ये सुन लो कि कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाएंगे आप कि सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, तो सर पिछली लेक्चर्स में भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ। इन केस ऑफ ग्रेवल, इफ सी यू इज ग्रेटर देन 4, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, सॉरी कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सी यू, इट इज D60 बाई D10। अगर ये आपका 4 से बड़ा है, ठीक है, और सी सी विच इज D30² अपॉन D60 इंटू D10, ये आपका 1 से 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, सी यू 4 से बड़ा है, सी सी 1 से 3 में लाई करता है, और आपके कोर्स ग्रेन सॉइल में, उस 600 ग्राम सॉइल में ग्रेवल सैंड से ज्यादा है, ग्रेवल सैंड से ज्यादा है, तो आपका ये सॉइल हो जाएगा ग्रेवल विच इज वेल ग्रेडेड, और वी कैन से वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्लियर, सिंपल है, वेरी सिंपल, सिंपल है ना राज, उत्कर्ष, वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली अगर ग्रेवल सैंड से ज्यादा है लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो नहीं हो रही है, या तो सी यू नहीं आ रहा इस रेंज में, 4 से बड़ा नहीं आ रहा, 3 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, या सी सी आपका इस रेंज में नहीं आ रहा, तो सर वो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। यस, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, अच्छी बात है सर, अच्छी बात। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं सर सैंड की। तो सर कोर्स ग्रेन सॉइल में, अच्छा सचिन, ठीक है सचिन तो नाम बढ़िया है, सचिन तो हम सबको ही पसंद है। चलो तो सर अब सैंड की बात कर लेते हैं ना। तो सैंड में आपके, अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें अगर सैंड ज्यादा है, दोनों बस आप, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि 1000 ग्राम में से 600 ग्राम जो है वो रिटेन कर गया, है ना, किस पे, 0.075 पे। ठीक है, अब इस 600 ग्राम में से मैं कहता हूं 400 ग्राम सैंड है और 200 ग्राम ग्रेवल है, 200 ग्राम ग्रेवल, तो सर ये सैंडी सॉइल हो गई ना, सैंड हो गया, तो सैंड, ठीक है, तो सैंड तो डिसाइड हो गया। इसका वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सी यू निकालेंगे, सी सी यू निकालेंगे, सी सी निकालेंगे। इफ सी यू इज ग्रेटर देन 6 एंड सी सी इज इन दिस रेंज, द सॉइल इज वेल ग्रेडेड। अगर आप लोगों को लग रहा है सर ये सी यू सी सी क्या हो रहा है, या D60 D10 क्या है, तो एक बार मुझे बताओ, मैं रिवाइज करा देता हूं। वैसे ये हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, D60 का मतलब यह है 60% पार्टिकल इज फाइनर देन द साइज ऑफ D60, वो साइज सॉइल में आपका, वो साइज जिससे 60% सॉइल फाइनर है, भाई साइज अलग अलग होंगे ना, तो वो साइज जिससे 60% सॉइल फाइनर है वो D60 कहलाता है, जिससे 30% फाइनर है वो D30 कहलाता है। ठीक है, सो ऑन, गुड। ठीक है, तो सर अगर ये है क्राइटेरिया कि सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, सी यू इज ग्रेटर देन 6 एंड दिस, तो ये वेल ग्रेडेड, अगर नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड। ये 4 चीजें हमने देख ली फटाफट से, बहुत बढ़िया, आसानी से आ गई हमें। अब हम जो है दूसरे सब क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं, व्हेन द फाइनेस्ट मॉडुलस इज बिटवीन 5 to 12%, 5 से 12% आ गया आपका फाइन सॉइल। अब सर पहले 5% से कम था, अब कोई चीज अगर 10% है सर तो असर दिखाना तो स्टार्ट करेगी ना। ठीक है, प्लस माइनस 5% का तो हम एरर भी मान लेते हैं, ये 10% का एरर तो नहीं, 12% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, चलो तो इस तरीके का अगर सर है आपका फाइनेंस मॉडुलस बिटवीन 5 to 12%, तो अब आपके डुअल सिंबल चालू हो जाएंगे, क्योंकि नाउ द इफेक्ट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल विल ऑल्सो विजिबल। तो अब क्या करेंगे सर, देखो यही क्लासिफिकेशन है, पहले ग्रेवल के 4 क्लासिफिकेशन, फिर सैंड के 4 क्लासिफिकेशन। ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब सर ये और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, फर्दर यही है सर कि अब मेरे पास सैंड में जो फाइन सॉइल आ गई है 10%, उसमें सिल्ट ज्यादा है या क्ले ज्यादा है, सिल्ट ज्यादा है या क्ले ज्यादा है। ठीक है, सो इफ ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड तो ये ग्रेवल हो गया, इफ क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट तो ये ग्रेवल कंटेनिंग
क्ले हो गया, ठीक है, ये वेल ग्रेडेड होगा या पुअरली ग्रेडेड, यही क्राइटेरिया है। सी यू ग्रेटर देन 4 वेल ग्रेडेड, सी सी इन द रेंज 1 to 3 वेल ग्रेडेड। तो जी डब्ल्यू जी सी वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। दोबारा सुन लो, अगले में सुन लो, ग्रेवल आपका सैंड से ज़्यादा होना चाहिए, सही है। अब सिल्ट है ना ये, तो सिल्ट क्ले से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वेल ग्रेडेड है तो क्या होना चाहिए, सी यू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और सी सी इस रेंज भी होना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया सर हमें, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ पुअरली ग्रेडेड कंटेनिंग, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, सब चीज सेम, जी एस से ज्यादा, सी एम से ज्यादा, बट सी और सी सी आपके अब रेंज में नहीं होंगे तो ये पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो, जी एस से ज्यादा, एम सी से ज्यादा, और सी यू सी सी आपके अब रेंज में नहीं है तो ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट हो जाएगा। इजी इजी है ना सचिन, इजी है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। बाकी लोग जो भी लोग आए हैं, हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सॉइल का, ये केस टू है, केस वन हम देख चुके हैं। बेटा पीडीएफ कैसे दे पाएंगे, पीडीएफ के लिए आपको वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। अब रोल रिवर्सल हो गया, ग्रेवल इज स्मॉलर और है ना कम है वो सैंड से, क्ले है ज्यादा सिल्ट से, तो सैंड, और ये तो सिंबल क्लियर हो गया। वेल ग्रेडेड कैसे फाइनलाइज करेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं, सी यू शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड सी सी शुड बी इन दिस रेंज। तो ये हो जाएगा सर वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। अगर वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट है, इसका मतलब सैंड ग्रेवल से ज्यादा, सिल्ट कंटेन कर रहा है तो सिल्ट क्ले से ज्यादा, वेल ग्रेडेड है तो सी यू 6 से ज्यादा और सी सी आपका इस पर्टिकुलर रेंज में, यस सर, गुड। सिमिलरली पुअरली ग्रेडेड, तो सैंड ग्रेवल से ज्यादा, क्ले सिल्ट से ज्यादा, और इफ द सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड, ये जो रेंज है आपकी, ये वाली रेंज, इसमें वो लाई नहीं करेगा। दोनों में से अगर एक भी नहीं होता, दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। एंड फाइनली एस पी एस एम पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, ग्रेवल से ज्यादा सैंड, क्ले से ज्यादा सिल्ट, और सी यू और सी सी आपके जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेंज है, यानी कि इट शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड सी सी शुड बी विद इन 1 to 3, वो नहीं फॉलो करेगा तो ये पुअरली ग्रेडेड हो गया। ये क्लासिफिकेशन हुआ सर, क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ, इन केस ऑफ मॉडरेट फाइननेस मॉडुलस 5 से 12, ठीक है। अब आते हैं सर थर्ड पे, थर्ड, ठीक है, थर्ड केसेस। अब ये और बढ़ गया सर, फाइननेस मॉडुलस 12% से ज्यादा हो गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम फाइननेस मॉडुलस कितना हो सकता है, कौन बता देगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वीडियो अवेलेबल है, ये अभी अवेलेबल रहेगा, डोंट वरी, आप दोबारा पलट के भी देख सकते हैं, है ना, ये दिस वीडियो विल बी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि अभी स्ट्रीमिंग के बाद हट जाएगा, यू कैन वॉच इट आफ्टर द क्लास ओनली, नो प्रॉब्लम। अभी तो आप पूछते चलो, आपके डाउट्स जो है वो पूछते चलो, ठीक है। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हाय वेलकम, और अपन लोग क्या है क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सॉइल का, ठीक है। अभी तक हम कोर्स ग्रेन के केस थर्ड पे आ गए हैं, दो केस देख चुके हैं, व्हेन फाइनेंस मॉडल्स वाज लेस देन 5% एंड 5 से 12%, ठीक है सर, अच्छी बात है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ऋषि, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। एक तो टाइम देखो, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग आए हो तो इसका मतलब ये आपका डिटर्मिनेशन है, यू आर डिटर्मिन्ड टू स्टडी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपके डाउट है, आप सिंगल, आपका डाउट है आप मुझसे पूछो, आई विल आंसर, और है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सर। कैरी मिनाती का वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा होता पबजी का तो बहुत सारे लोग होते, पढ़ाई वाले लोग ही कम है,
आप ये देखो आपका कंपटीशन कितने लोगों से है। ठीक है, गुड। चलो सर, तो केस थ्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस मॉडुलस इज ग्रेटर देन 12%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो 12% से ज्यादा कितना ज्यादा जा सकता है? तो सर ये जा सकता है एट मैक्स 49। उससे ज्यादा हुआ 50 तक चला गया, चलो ठीक है, 50 से ज्यादा हुआ तो सॉइल आपकी फाइन ग्रेन हो जाएगी कोर्स ग्रेन से हटके। समझ में आ रहा है जो मैंने पहले बताया था? ठीक, चलिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, अच्छी बात है। नाउ सी द क्लासिफिकेशन। अब सर डुअल सिंबल हट गए क्योंकि अब ये डोमिनेटिंग है, मतलब ये अच्छा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, थोड़ा नहीं, अभी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो सर क्या कहलाएगा? ग्रेवली क्ले, सॉरी क्ले ही ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, है ना, क्ले ही सैंड एंड सिल्टी सैंड। कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक तो सर सीधी सी बात यह है कि ग्रेवल ज्यादा सैंड से तो ये ग्रेवल आएगा, सैंड ज्यादा ग्रेवल से तो ये सैंड आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्ले है या सिल्ट है? तो सर अब हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी, क्योंकि अब ये इतना अमाउंट में आ गया है कि ये कुछ प्लास्टिसिटी शो कर सकता है। इट विल पोजेस सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, जिसका डिफरेंस ही आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, जिसके लिए ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जिसके लिए चार्ट दिया हुआ है। सो इफ आईपी इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, क्लियर है, इफ आईपी इज ग्रेटर देन 7 तो ये आपका कहलाएगा कहलाएगा सर क्लेई ग्रेवल। ठीक है, आईपी ग्रेटर देन 7 में ये क्लेई ग्रेवल कहलाएगा। ठीक है, ये ए लाइन से ऊपर ही जाएगा, जब आईपी 7 से ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में अगेन आईपी ग्रेटर देन 7, इट इज अबव ए लाइन, द सॉइल विल बी क्लेई सैंड। लेस देन 4 है तो बिलो ए लाइन आ जाएगा सर, बिलो ए लाइन। ठीक है, बिलो ए लाइन एंड आपका सॉइल कैसा हो जाएगा? सिल्टी ग्रेवल। आईपी लेस देन 4, बिलो ए लाइन, सिल्टी सैंड। अच्छा सर, ये बीच का रेंज का क्या करूं? 7 से ऊपर बता दिया आपने, ठीक है, 7 से ऊपर बता दिया आपने, और 4 से नीचे। बीच के रेंज में कहाँ जाएगा सर? बीच के रेंज में ही जाएगा सर। ये एसएससी के ही क्वेश्चंस हैं, मैं एसएससी के ही लेवल का पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। कुछ भी आपको ज्यादा ऊपर लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 4 से 7 के बीच में रहता है सर, तो डुअल सिंबल यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर हैच्ड एरिया में है तो डुअल सिंबल, है ना, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड। ठीक है सर, गुड। अब सर फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन देखते हैं। कोर्स ग्रेन सर खत्म हो गया वहां पर, कोर्स ग्रेन सर खत्म हो गया। तीन कैटेगरी देखी, फाइननेस मॉडुलस लेस देन 5, फाइननेस मॉडुलस 5 to 12 एंड फाइननेस मॉडुलस ग्रेटर देन 12। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने पहले सिंगल सिंबल देखे, फिर डुअल सिंबल देखे और फिर से सिंगल सिंबल देखे। ठीक है, नाइस। ये थोड़ा सा घुमा देता है क्लासिफिकेशन फाइन ग्रेन सॉइल का, तो ध्यान से समझना, वो आसान है, वो फिर थोड़ा सा आसान है, हल्का सा बस टिपिकल है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सर आपको बताया कि फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगा? प्लास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होगी? सिल्ट एंड क्ले। साइज क्या होगा? 0.075 mm टू 0.002 mm, इस रेंज में अगर सॉइल है तो वो सिल्ट कहलाएगी, और स्मॉलर देन 0.002 mm है तो वो क्ले कहलाएगी। इतना छोटा सीव होता नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन जब मैं करूंगा सर, ठीक है, तो मुझे ये बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी, सिर्फ पार्टिकल साइज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं। एक है सर ए लाइन, ये एक लाइन है जो कि इस पर्टिकुलर चार्ट पे बनी हुई है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वर्सेस लिक्विड लिमिट। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स वर्सेस लिक्विड लिमिट
कर्व है जिसमें ये लाइन हमने बनाई। आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सी इंटरसेप्ट होगा, ये एम स्लोप होगा, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई पे ऑर्डिनेट, ठीक है। तो सर दिस इज द इक्वेशन फॉर ए लाइन, ये हमें कैसा ग्राफ देने दी। तो ये हमें प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट के बीच का एक रिलेशनशिप दे रहा है, इट्स अ थ्योरेटिकल पैरामीटर, थ्योरेटिकल पैरामीटर है, आपको पेन पेंसिल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये ए लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आप सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे सर, ठीक है, तो लिक्विड लिमिट जो आपने निकाली उसको यहां पर पुट करेंगे और ए लाइन का आईपी निकालेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूं आपको, देखते चलो अभी, ठीक है। दूसरा है सर यू लाइन। यू लाइन एक्चुअली ये बताने के लिए है कि जो टेस्ट किया आपने वो सही किया है या कहीं गड़बड़ रिजल्ट आ गए। सो इट इज द अपर बाउंड्री बियॉन्ड विच नो रिजल्ट शुड लाई। ये जो लाइन है सर आपके ग्राफ पे, जो ये लाइन आएगी इससे ऊपर अगर रिजल्ट आ रहे हैं कहीं पे, यहां कहीं आ रहा है, आईपी की वैल्यू यहां कहीं आ जा रही है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, इसके ऊपर कहीं आ जा रहा है, तो टेस्ट गलत कर दिया आपने, गलत हो गया, रीडिंग गड़बड़ हो गई, आंसर गलत हो गया, आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ रिजल्ट्स फाउंड अबव यू लाइन देन टेस्ट शुड बी रिपीटेड, दिस इज द इक्वेशन फॉर यू लाइन। इंपॉर्टेंट है 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8, ठीक है सर। अभी मैं बताता हूं इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करेंगे, सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे। देखो सर, फॉर द गिवन लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, आपने सॉइल की लिक्विड लिमिट निकाली, आपने सॉइल की प्लास्टिक लिमिट भी निकाली, कैसे, लैब में है ना, टेस्ट करके, कैसा करेंगे, एपरेटस पे टेस्ट किया, लिक्विड लिमिट आया, थ्रेड बना करके या प्लास्टिक लिमिट आया, तो उसको क्या करो, लिक्विड लिमिट को ए लाइन की इक्वेशन में रखो, ठीक है। उससे आपको ए लाइन का पॉइंट मिलेगा, उसको आपको ए लाइन का पॉइंट मिलेगा। ए लाइन क्या था, पॉइंट आईपी ऑफ ए लाइन जो आएगा आपका, आईपी ऑफ ए लाइन वो क्या आएगा, 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, जो लिक्विड लिमिट आया उसको यहां पर रखो। आई ए लाइन का आईपी पता चला आपको, ठीक है, कुछ पता चला मुझे, ठीक है, ग्राफ पे। और अपने सॉइल का आप निकालो इस फॉर्मूले से, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तो दो पॉइंट मिले आपको, आईपी ऑफ सॉइल, आईपी ऑफ ए लाइन, ठीक है सर। अगर, अब ध्यान से सुनना, यहीं पर है सारा क्लासिफिकेशन, सचिन ध्यान से सुनना, ऋषि ध्यान से सुनना, यहीं पर है सारा कुछ, तो जो कुछ कंफ्यूजन है, जो कुछ चीजें याद रखनी है वो यहीं पर रखनी है। अब सर अगर आईपी ऑफ सॉइल आईपी ऑफ ए लाइन से कम है, यानी कि पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा, या सुनो, आईपी ऑफ सॉइल अगर आईपी ऑफ ए लाइन से कम है तो पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा, ये आईपी का है ना, वाई एक्सिस, तो नीचे आ जाएगा। ये मैं दूसरा पेन ले लेते हैं, ये सॉइल का आईपी है, ठीक है, ये ए लाइन है, ये सॉइल, ये ए लाइन। अगर ऐसी सिचुएशन है देन सॉइल विल लाई बिलो ए लाइन एंड सॉइल विल बी ईदर सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले, या तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक क्ले होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया सर एक बार, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि क्या ए लाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को भी डिफ्रेंशिएट करती है। ध्यान से सुन रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, क्या ए लाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को डिफ्रेंशिएट करती है, ट्रू और फॉल्स। तो सर दूसरे पॉइंट के बाद आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि अगर आईपी ऑफ सॉइल ज्यादा आया आईपी ऑफ ए लाइन से, यहां पर आ गया आपको पॉइंट, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, तो सर सॉइल आपकी होगी सर इनऑर्गेनिक क्ले। तो सर नीचे तो ऑर्गेनिक, ऊपर तो इनऑर्गेनिक, कर दिया क्लासिफाई। ए लाइन ने सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बाइफरकेट कर दिया, ए लाइन से ऊपर आ रहा है तो इनऑर्गेनिक क्ले होगा, नीचे आ रहा है तो ऑर्गेनिक क्ले या सिल्ट होगा। मैं बताऊंगा सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिलहाल आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि ए लाइन डिफरेंशिएट करता है, इट्स बाइफरकेटिंग बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। क्या बात समझ में आई है, सुनो बोलो, या सुनो बात समझ में आई, ठीक है।
चलो, तो जब हमें इतनी बात समझ में आ गई है सर, तो अब इसका सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है? सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सब क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? प्लास्टिसिटी, है ना, और कंप्रेसिबिलिटी। तो सर लिक्विड लिमिट जो है सॉइल का, उसके बेसिस पे ये दोनों चीजें कवर होती हैं, ठीक है? कि वो कितना लिक्विड लिमिट पोजेस कर रहा है सॉइल, उसके बेसिस पे ये दोनों चीजें कवर होती हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन लिक्विड लिमिट के बेसिस पे ही है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है। मैं अभी आपको ये 50% लिखा है ना वैल्यू, ये आपको जनरलाइज्ड वैल्यू बताया है, एक स्पेशल केस और बताऊंगा अभी, ठीक है? आप इसको ऐसे समझो कि व्हेन लिक्विड लिमिट इज स्मॉलर देन 35%, है ना, 35% से कम है अगर, ठीक है? अगर 35% से कम है अगर, ठीक है, तो आपका सॉइल होगा लो प्लास्टिक, ठीक है? तो आपका सॉइल होगा लो प्लास्टिक, 35% से कम है अगर, तो वो लो प्लास्टिक सॉइल होगा, ठीक है? लो प्लास्टिक या विद लो कंप्रेसिबिलिटी, क्लियर है? ये तो बात समझ में आ गई, व्हेन लिक्विड लिमिट इज स्मॉलर देन 35%, ठीक है? लिक्विड लिमिट इज स्मॉलर देन 35%, ठीक है? अच्छा सर, इतना मुझे समझ में आ गया कि लो प्लास्टिक तो होने वाला है, तो मैंने सिंबल बताया था एल इज फॉर लो प्लास्टिक या लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि क्ले है, सिल्ट है, क्या है? ठीक है, दीप्ति को मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ आया तो ठीक है। हमारे यहां समझ आने को ही मजा आना कहते हैं। क्यों सचिन? चलो ठीक है सर। तो सर अगर अब मेरी बात सुनना, कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये लो प्लास्टिक है या नहीं है, तो आपने देखा कि लिक्विड लिमिट इज स्मॉलर देन 35%, लैब में टेस्ट करके आपने पता कर लिया। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि क्ले है कि सिल्ट है, और क्ले है तो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए लाइन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, ये लिक्विड लिमिट की जो भी वैल्यू आई ए लाइन की इक्वेशन में डाली। ए लाइन की इक्वेशन है आई पी इज इक्वल्स टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, और अपना सॉइल का निकाला मैंने डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से। तो अगर वो पॉइंट ए लाइन से ऊपर लाई कर रहा है तो मेरा क्या होगा? इनऑर्गेनिक क्ले। तो कैसा सॉइल होगा सर? इनऑर्गेनिक क्ले, ऑब्वियसली लो प्लास्टिक है क्योंकि ये रेंज है, ठीक है? जैसे ही ये आया तो सर ये एल तो सबके सामने लग ही गया। अब ये सी एम या ओ कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे सर, ये डिसाइड करेंगे सर बाय ऑब्जर्विंग द पॉइंट्स ऑन दिस प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है सर? तो अगर अबव ए लाइन आया आपका सॉइल का पॉइंट, तो वो क्या है? इनऑर्गेनिक क्ले। अगर वो नीचे आया तो फिर वो या तो सिल्ट है या वो ऑर्गेनिक क्ले, या तो सिल्ट है या ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है? गुड, ठीक है, गुड। नेक्स्ट केस टू और थ्री, यहीं पे दोनों देख लेना, है ना? ये केस थ्री समझो, व्हेन लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50%, केस थ्री जो 35 से 50 के बीच का है, ठीक है? वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, जो 35 से 50 के बीच का है, ठीक है? तो लेस देन 35%, ग्रेटर देन 50%, केस थ्री। तो सर फिर से वही चीज, लिक्विड लिमिट आ गया सर। लिक्विड लिमिट के बाद आपको क्या करना है? आपको फिर से वो ए लाइन की इक्वेशन में रख के ए लाइन का पॉइंट निकालना है, अपने सॉइल का डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से करना है, और चेक करना है ऊपर के नीचे। अगर ऊपर तो सर इनऑर्गेनिक क्ले, अगर नीचे तो सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। लिक्विड लिमिट अगर 50% से ज्यादा है, इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50%, तो ऑब्वियसली आपका सॉइल हाई प्लास्टिक या हाई कंप्रेसिबिलिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो एच सिंबल लग जाएगा। तो अगर लेस देन 35 तो लो, ग्रेटर देन 50 तो हाई, ठीक है सर? अच्छी बात है। अगर सर इसके बीच में है,
35 से 50 के बीच में है तो सिंबल लगता है आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या इंटरमीडिएट प्लास्टिक। तो आपके क्लासिफिकेशन होंगे सी आई, एम आई एंड ओ आई, अबव ए लाइन, सेम प्रोसेस बिलो ए लाइन। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले को तो अलग कर दो। आपने मुझे ये बता दिया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो फर्क बता दिया आपने, लेकिन इनऑर्गेनिक वो सॉरी ऑर्गेनिक और सिल्ट दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे हैं सर। तो कैसे कैसे बाइफरकेट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि सिल्ट है या क्ले है? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो तरीका ये होता है सर कि जो ऑर्गेनिक क्ले होती है, जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है ना, वो अपने आप में बहुत डार्क कलर लिए हुए होती है। थोड़ा ब्लैकिश कलर होगा, डार्क कलर होगा, इस तरीके का कलर होता है उनका। तो एक तो कलर ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं कि मेरा ये ऑर्गेनिक क्ले है तो डार्क कलर का, सिल्ट है तो उतना डार्क नहीं होगा, ब्राउनिश कलर होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अवन ड्राई सैंपल, उसको अवन ड्राई कीजिए और देखिए कि लिक्विड लिमिट पहले से रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रिडक्शन 30% से ज्यादा है, अगर रिडक्शन आपने क्या किया, अवन ड्राई किया, फिर से लिक्विड लिमिट निकाला, आपने अवन ड्राई कर दिया सॉइल, अब फिर से उसमें आपने लिक्विड लिमिट का टेस्ट किया, अगर लिक्विड लिमिट 30% या उससे ज्यादा डिक्रीज कर जाता है तो वो ऑर्गेनिक क्ले है, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक सिल्ट है। यहां पर हमारा ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। बोलो सचिन, ऋषि, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा दूंगा। बोलो अगर समझ में आ गया है तो बताओ, नहीं आया है तो सर जो है रिवाइज करा देंगे। रिवाइज कराने में कितना टाइम लगेगा, ये तो टिप्स की चीजें हैं। गुड गुड, ठीक है सर। तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दिस इज द बैच विच इज गोइंग ऑन एट टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक पे बैच चल रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर SSC JEE। 40-50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वहां पर, ठीक है। तो आप लोग भी देर मत कीजिए, अगर आपको तैयारी करनी है, मार्च में एग्जाम है आपका। एक एक ही बैच बनाया है हमने, ज्यादा बैच बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो वो सिलेक्टेड सीट्स हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन अभी भी टाइम है, यू कैन ज्वाइन देयर, ठीक है। वहां पर लाइव सेशन, यहाँ पर जो 1 घंटे का आपको 1-1.5 घंटे का सेशन मिलेगा, वहां पर वो आपको 2 घंटा 2.5 घंटे का सेशन मिलता है, ठीक है, ताकि जल्दी कवर हो पाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको और मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इफ यू वॉन्ट द नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म देन यू हैव टू ज्वाइन दैट कोर्स, ठीक है। और आपको पता ही है कि सर केवल टेक्निकल से काम चलेगा नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर जीएस एज वेल। तो अवस्थी सर जो हैं वो जीएस एक्सपर्ट है हमारे, उनका भी बैच स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट से आप जो है इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द बैच, ठीक है। एक फटाफट से छोटा सा प्रोमो देख लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ फिर। वन पास फॉर 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट, 500 से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज में। ठीक है, वी आर बैक। चलो भाई कहाँ थे हम? बेटा वहां जाके देखना पड़ेगा सचिन, मुझको नहीं पता, ठीक है, बस मैं इतना बता सकता हूं तुमको, ठीक है, बस मैं इतना बता सकता हूं तुमको कि अगर ये जितना भी फीस है उसमें अगर ये कोड डालोगे दीपक वी, दीपक वार्ष्णेय, दीपक वी कोड डालोगे तो 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। DEEPAKV बिना स्पेस, ठीक है, दीपक वी आप डालोगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो जितना भी फीस है उसमें आपका 20% तो वैसे ही डिस्काउंट हो गया। एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर रहे हैं सारी चीजों का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई कोर्स ग्रेन सॉइल किसको कहेंगे, जब 50% या उससे ज्यादा सॉइल रिटेन कर जाएगी, किस पे, 0.075 mm पे, ठीक है। उस पे हमने देखा कि क्या केस बना कि 5% से कम फाइनेंस मॉडल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, GWGP SWSP,
ये चार तरीके के क्लासिफिकेशन हुए, किसके बेसिस पे? सीयू सीसी के बेसिस पे। सीयू ग्रेटर देन 4 तो ग्रेवल की लिमिट है, सीयू ग्रेटर देन 6 तो सैंड की लिमिट है, सीसी 1 से 3 उस दोनों के लिए वैलिड है। ग्रेवल ज्यादा तो ग्रेवल, सैंड ज्यादा तो सैंड। ठीक है सर, ये डुअल सिंबल लगे जब आपका फाइनेंस मॉडल्स 5 से 12 के बीच में था। कंपेयर करेंगे, ग्रेवल ज्यादा तो ग्रेवली सॉइल, क्ले ज्यादा तो ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, और वही आपका पुअर ग्रेडेड वेल ग्रेडेड सेम तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। दिस वॉज वेन योर फाइनेंस मॉडल्स वॉज ग्रेटर देन 12%। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका अच्छे से इफेक्ट आएगा, इसलिए डुअल सिंबल नहीं, क्ले ही ग्रेवल, क्ले ही सिल्ट है ना, या वो सॉरी क्ले ही सैंड या सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी सैंड होगा डिपेंडिंग ऑन आईपी। ठीक है, अगर आईपी 4 से 7 के बीच में आता है तो सर डुअल सिंबल यूज करेंगे। फिर हम आ गए थे फाइन ग्रेन पे, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने टेस्ट को चेक करने के लिए यू लाइन की इक्वेशन में रख के देख लिया, हमारा रिजल्ट यू लाइन से ऊपर तो नहीं जा रहा। फिर आपने क्या किया, डब्ल्यू एल निकाला, सारे सॉइल का डब्ल्यू एल निकाला, जो भी सॉइल का आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं लिक्विड लिमिट, उसको आपने ए लाइन की इक्वेशन में रखा, ए लाइन का पॉइंट पकड़ा। डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से आपको प्लास्टिक लिमिट भी निकालना पड़ेगा लैब में, वहां से आपने आईपी ऑफ सॉइल निकाला और उसको कंपेयर किया। अगर वो ए लाइन से ज्यादा आया तो आपका सॉइल है इनऑर्गेनिक क्ले, अगर वो ए लाइन से कम आया तो आपका सॉइल है ऑर्गेनिक क्ले या फिर सिल्ट। उसके बाद हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया, लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड लिमिट। 35% से कम तो लो, 35 से 50 के बीच में तो इंटरमीडिएट, और 50 से ऊपर तो हाई। बाकी सारा क्लासिफिकेशन सेम है, ए लाइन से ऊपर तो इनऑर्गेनिक क्ले, ए लाइन से नीचे तो ऑर्गेनिक क्ले या सिल्ट। ऑर्गेनिक और सिल्ट को कैसे क्लासिफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और अगर वो ओवन ड्राई करने पर 30% या उससे ज्यादा लिक्विड लिमिट में डिफरेंस दे देता है तो। ठीक है सर, क्वेश्चन आ जाओ सचिन। अरे सर कोई पुअर नहीं होता। अच्छा आप फाइनेंशियली कह रहे हो क्या, मुझे लगा आप कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। कॉन्सेप्ट तो सर सबको समझ में आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन तो सर क्या ही कह सकते हैं, एक बार आप जाके देख लो। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा कर सकते हैं, वी हैव सम लिमिटेशंस ऑफ टाइम बेटा, है ना, टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है, एक बार जाके बस आप देख लो अगर आपके बजट में पड़ता है तो। ठीक है चलो आंसर कर मेरे को फटाफट। एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इनऑर्गेनिक क्ले सी, हाई कंप्रेसिबिलिटी एच, क्या है ऑप्शन बी? सही है ये सुनो, ठीक है ये सुनो, दूसरे का आंसर करो। क्वेश्चन लेस सॉइल इज, कौन सी सॉइल क्वेश्चन लेस है? तो सर यस गुड गुड, तो सर ठीक है, आप देखो कौन सी सॉइल, जितना साइज कम होता जाता है सॉइल का वैसे वैसे वो कोहेसिव होती जाती है, जैसे जैसे उसका साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे वो कोहेसिव होती जाएगी, उसका पार्टिकल का बिहेवियर चेंज होने लगेगा। जैसे ग्रेवल का साइज सबसे बड़ा है बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दिखाता, क्ले दिखाएगा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है यस, क्वेश्चन लेस पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन लेस, किसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल आर कोहेसिव सॉइल, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि दो तरीके से सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, कोर्स ग्रेन एंड फाइन। कोर्स में आ गया ग्रेवल एंड सैंड, इसमें आ गया सिल्ट एंड क्ले, ये कहलाती है कोहेशन लेस, इसमें बिल्कुल कोहेशन नहीं होता, कोहेशन लेस, और ये दोनों कहलाती है कोहेसिव सॉइल। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लेस सॉइल क्या है? सिल्ट नहीं, क्ले नहीं, सैंड इज क्वेश्चन सॉरी हाँ सैंड इज क्वेश्चन लेस सॉइल, सैंड में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होता। यस गुड गुड सचिन, ठीक है सर। अब मैंने जो अब आपको बताया था, एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो देखो सर क्या करते हैं कि क्ले मिनरल जो है वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं मिनरल, किससे?
दो फंडामेंटल यूनिट है, टू फंडामेंटल यूनिट्स बिल्डिंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्ले मिनरल। एक है सिलिका शीट, सेकेंड इज गिप्साइट या एलुमिना शीट। तो सिलिका शीट क्या होती है? सिलिका शीट इज अ टेट्राहेड्रल, चार फेस वाला एक ऐसा शेप होता है आपके एटम का, ठीक है, सॉरी आपके शीट का, क्लियर, आपके ब्लॉक का, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है सर। इसमें क्या होगा, चार एटम है, 1, 2, 3, 4 किसके, ऑक्सीजन के, एंड वन सिलिका एटम एट द सेंटर। ये इसका फॉर्मेशन है, ये इसका केमिस्ट्री है, सिलिका शीट का केमिस्ट्री। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सिलिका शीट को कैसे डिनोट करेंगे सर? इसका सिंबल होता है एक, ठीक है, सिलिका शीट का सिंबल है सर ट्रेपीजियम, इस तरीके से, इस तरीके का सिंबल होता है सिलिका शीट का, SI, ठीक है। दूसरी शीट जो है आपकी गिप्साइट शीट है, या उसको एलुमिना शीट कहते हैं, इट्स अ ऑक्टाहेड्रल शीट, एट फेसेस, ठीक है, छह तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो एटम है वो या तो एल्यूमिनियम के होंगे, आयरन के होंगे, या मैग्नीशियम के होंगे। जनरली जब हम एलुमिना शीट की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम सेंटर में है, और ये 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स हैं, मैं उल्टा ही बोल गया है ना, 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स हैं, दीज 6 आर हाइड्रोक्सिल्स, ठीक है, OH, और एक है आपका एल्यूमिनियम या आयरन या मैग्नीशियम, जनरली ये एल्यूमिनियम का होता है, इसका सिंबल है सर ये AL, ठीक है। तो सिंबल क्यों बताया सर मैंने, इसलिए बताया है, ठीक है, मैं अब इनको बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर चलो, तो सर ये मिनरल जो आपने बता दिए इससे हमें क्या लेना देना? तो सर इन मिनरल का जो अरेंजमेंट है, जो ये जो यूनिट्स हैं, सॉरी जो सिलिका यूनिट है, ये जो गिप्साइट यूनिट है, इनका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे तीन मिनरल बनते हैं मोर ओवर, ठीक है, तीन मिनरल बनते हैं, क्या, कियोलिनाइट, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट, कियोलिनाइट, इलाइट एंड मोंट मोरिलोनाइट। और ये मिनरल डिसाइड करेंगे कि क्ले का बिहेवियर कैसा होगा, क्ले का बिहेवियर कैसा होगा, आ रही बात समझ? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ क्ले, यू हैव टू लर्न दीज थ्री मिनरल्स, ठीक है। क्या होता है सर, कियोलिनाइट में जो दोनों यूनिट्स हैं, कौन सी, सिलिका एंड एलुमिना, ये जो जुड़ी हुई होती है सर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है, या मैं कहूं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो जुड़ा होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। इलाइट में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और मोंट मोरिलोनाइट में जो बॉन्ड होता है सर वो वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से होता है, वैंडरवॉल फोर्सेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सर अगर दोनों को कंपेयर करें या तीनों को कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है सर इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो? द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज हाइड्रोजन एंड द वीकेस्ट इज वैंडरवॉल फोर्सेस, सबसे कमजोर जो है वो वैंडरवॉल फोर्सेस होंगे। अच्छा सर ये स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट से क्या लेना देना? तो सर जितना स्ट्रांग होगा उतना कंडीशन चेंज होने पर वो टूटेगा नहीं, जितना वीक होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा, उसी तरीके से सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसी तरीके से क्ले का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे समझाते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है सर। तो सर पहले देख रहे हैं हम क्योलिनाइट, तो सर वन यूनिट ऑफ क्योलिनाइट इज मेड ऑफ वन सिलिका शीट एंड वन गिप्साइट शीट, एक सिलिका और एक गिप्साइट की शीट है ये बना हुआ, ठीक है, एक बना हुआ है ये, एक यूनिट हुआ, एक मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है। सेकंड, ठीक है, थर्ड, अब क्या है, ये जब जुड़ते चले जाएंगे तब आपका सॉइल फॉर्म होता है, तब आपका सॉइल फॉर्म होता है। इनके बीच में क्या बताया था, कैसा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड बताया था सर, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक यूनिट का थिकनेस
एक यूनिट का थिकनेस इज 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। 7 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कितना होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10^-10 मीटर। आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल या पता नहीं पेपर में कैसे पूछा जाएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब पता चलेगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, गुड। लेट्स सी द अनदर मिनरल, सेकेंड मिनरल। इतना ही जानना है बस, थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलाइट। इलाइट बना हुआ है, 1 यूनिट ऑफ इलाइट इज मेड अप ऑफ 2 सिलिका एंड 1 गिप्साइट शीट। गिप्साइट कैसे, ये गिप्साइट है, 2 सिलिका शीट, 1 एंड 2, ये एक यूनिट बना। सिमिलरली ये दूसरा यूनिट बना, एंड सो ऑन। ठीक है, गिप्साइट शीट इज सैंडविच बिटवीन सिलिका शीट, तो मैंने सिलिका शीट के बीच में ये गिप्साइट शीट आपका सैंडविच कर दिया। जो बॉन्ड है सर वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली जनरली वो पोटेशियम का बना होता है, के पॉजिटिव आयन का। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो पोटेशियम आयन का होता है। ठीक है, पोटेशियम आयन। क्या इसकी यूनिट, ऑब्वियसली देख रहे हो इसमें 2 सिलिका शीट लग रही है तो उससे तो बड़ा ही होगा, इट इज ऑफ 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है सर, क्लियर। तो ऑर्डर में ये डिक्रीज होती जा रही है फोर्स, सबसे स्ट्रांग था हाइड्रोजन, उससे थोड़ा वीक आयनिक, और सबसे वीक मोंटमोरिलोनाइट, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमारी कहानी, हमारा खेल खराब करता है, बहुत बेकार, वेरी बैड एज फार एज सिविल इंजीनियरिंग इज कंसर्न, बेकार। यूज करते हैं हम इसको अपने हिसाब से, लेकिन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जब उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करेंगे तो दिक्कत करेगा। क्या करता है, क्या करेगा, पहले तो ये देख लो कि बना कैसे हुआ है। 1 यूनिट इज मेड ऑफ 2 सिलिका शीट एंड 1 गिप्साइट, जैसे पहला वाला था, गिप्साइट सिलिका, गिप्साइट सिलिका। बट नाउ द फोर्स, जो बॉन्ड है ये वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस, बहुत वीक, बहुत वीक, जॉइंट बाय वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो इतना इतना वीक है कि इस बॉन्ड, इस गैप में आराम से वाटर या अदर एक्सचेंजेबल आयन एंटर कर सकते हैं, बॉन्ड एक्सपैंड हो जाएगा, पानी आएगा, इसको एक्सपैंड होना पड़ेगा क्योंकि वीक है। आपने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है अपने दोस्त का, और आपने अगर अच्छे से पकड़ा हुआ है मजबूती से, तो कोई बीच में नहीं आ सकता, केवली नाइट में तो नहीं आ पाया कोई, यहां पर ये वीक है सर, वीक, पानी आया, क्लियर। थिकनेस जो है इसकी एक यूनिट की वो 9.6 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो जो पिछले वाला जैसा था, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर। ठीक है, ये जो गैप है ये 200 आर्मस्ट्रॉन्ग तक वैरी कर जाता है, इतना गैप बना लेता है बीच में। ठीक है, ये जो गैप है इतना ज्यादा बड़ा कर लेता है मॉइस्चर आने से। तो सर द सॉइल कंटेनिंग कियोलिनाइट शो लीस्ट वॉल्यूम चेंज, बताया मैंने अभी आपको, एक्सप्लेन किया, लीस्ट वॉल्यूम चेंज, बढ़िया है। तो फिर तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट, तैयारी करो अच्छे से, एसएससी जेई क्रैक करो। ठीक है, गुड सचिन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, चाइना क्ले, चाइना क्ले जिसके आपके बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले। ठीक है, सॉइल कंटेनिंग मोंट मोरिलोनाइट शोज मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज, मैंने अभी बताया आपको कि मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज मिलेगा अगर सॉइल आपका क्ले जो है वो मोंट मोरिलोनाइट का बना है। अब ये 3 मिनरल है, कोई क्ले मोंट मोरिलोनाइट का हो सकता है, कोई इलाइट का हो सकता है, कोई किलोनाइट का हो सकता है, कॉम्बिनेशन के भी हो सकते हैं, जिसमें मोंट मोरिलोनाइट ज्यादा है ना मिनरल, पानी आते ही वॉल्यूम चेंज करता है, एक्सपैंड हो जाता है, पानी जाते ही ऐसे श्रिंक कर जाता है, तो बहुत खराब सॉइल। जैसे कि आपने देखा होगा मुल्तानी मिट्टी घर पे देखी होगी, आप उसको पानी में ड्रॉप करो कितनी जल्दी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है ना, तो बेंटोनाइट कहते हैं उसको, बेंटोनाइट इज एन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज ब्लैक कॉटन सॉइल, एमपी के आसपास महाराष्ट्र में मिलती है सॉइल, मॉइस्चर आने पे स्वेल, जाने पे श्रिंक, बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन,
यही थे आपके मिनरल, ठीक है, ये थे आपके मिनरल। क्वेश्चन कर दो फटाफट से तो मजा आ जाए, क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, भाई क्योलिनाइट, एलाइट और मोंटमोरिलोनाइट से तो क्ले बनी हुई है, क्ले मिनरल्स हैं ये, दीज आर क्ले मिनरल्स, दीज आर ये क्ले मिनरल्स हैं। बच गया कौन सा? तो सैंड बना होता है मेरा सर क्वार्ट्ज से, ठीक है, अभी बताया क्ले इज जनरली कोहेसिव, क्ले इज जनरली कोहेसिव, क्या बात समझ में आई? ठीक है, नाइस। 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, ठीक है, हम फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन करके। तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट शीट इन क्यूलिनाइट क्ले मिनरल, अभी तो बताया क्यूलिनाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन, 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 तभी तो ये लीस्ट वॉल्यूम चेंज दिखाता है, लीस्ट वॉल्यूम चेंज, ठीक है, लीस्ट वॉल्यूम चेंज। यहां पर हमारी मिनरोलॉजी खत्म, छोटा सा एक टॉपिक है सर सॉइल स्ट्रक्चर का, 10 मिनट में कंप्लीट होगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है, यस यस, नाइस नाइस नाइस, सब लोग आंसर कर रहे हैं यार, बड़ा मजा आ रहा है, गुड। चलो तो सर सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, हम तीन चार स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। पहला है सर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब एवरी पार्टिकल इज हैविंग इट्स ओन, तो अपना अलग अलग पड़े हुए हैं सब। सैंड देखो आप, सैंड देखा है आपने, ग्रेवल देखा है, सैंड ग्रेवल देखा है, कैसे बड़े बड़े पार्टिकल अपना अलग अलग पड़े होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो इस तरीके का जो पार्टिकल, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, एवरी सिंगल ग्रेन इज इट्स ऑन इट्स ओन। तो इनका जो जुड़े रहने का या ये पास पास रहने का एक ही कारण है, वो है ग्रेविटी। तो बाई वेट जो है एक दूसरे से ये अटैच रहते हैं, अदरवाइज आप दूर रख दो चले जाएंगे, दूर आराम से चले जाएंगे, वही ग्रेविटी फोर्स बस आपको ओवरकम करना है। कोई सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है ऊपर, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत कम है, एग्जाम्पल ग्रेवल एंड सैंड, ये एग्जाम्पल है सर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के, मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड। पांच मिनट और लगेंगे डीपी, बस 5 मिनट में कवर हो जाएगा ये, है ना, क्वेश्चंस कल कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कल कर लेंगे। चलो बस ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट, ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप ऑफ हनीकॉम, सनी सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हनीकॉम स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल जो है वो बीच में एक खाली स्पेस लिए होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें बीच में स्पेसेस हैं, ये वॉइड है, एम्प्टी वॉइड, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं हम हनीकॉम स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको? तो ये होता है इस तरीके की सॉइल में, हैविंग साइज 0.02 mm से 0.002 mm, कौन सा साइज है सर? सिल्ट का साइज है, सिल्ट का। तो ग्रेविटी फोर्स एंड सरफेस फोर्सेस बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी भी और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस भी। लार्ज वॉल्यूम होता है वॉइड्स का, मैंने बताया आपको, जब तक कि इनका स्ट्रक्चर टूटा नहीं है, जब तक कि स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक ये बहुत सारा लोड ले सकते हैं। जैसे ही एक बार स्ट्रक्चर टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, वैसे ही सडन कोलैप्स होता है, सडन कोलैप्स, ठीक है, सडन कोलैप्स। एग्जाम्पल सिल्ट्स एंड सम कोर्सर क्ले, ठीक है, क्लियर है। एंड द फाइनल वन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लॉक्युलेटेड एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, फ्लॉक्युलेटेड एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है सर, किसमें मिलेगा? साइज लेस देन 0.002, ऑब्वियसली क्ले, क्ले में मिलेगा सर ये साइज आपको, ये पार्टिकल, ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। तो जो क्ले का पार्टिकल साइज है जो बहुत कम है,
और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सर वो मोस्टली फ्लेकी होते हैं, फ्लेकी स्फेरिकल नहीं होते हैं। फ्लेकी मतलब कॉर्नफ्लेक्स खाए ना, कॉर्नफ्लेक्स नमकीन खाई होगी आपने, ऐसे फ्लेक्स वाली देखा होगा आपने, पतला पार्टिकल होता है, वाइड एंड थिन पार्टिकल होता है, वाइड एंड थिन फ्लेकी पार्टिकल, फ्लेकी पार्टिकल होता है। तो उनपे क्या होते हैं सरफेस चार्जेस भी होते हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस ओवर देम। ठीक है, यहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस ज्यादा हैं ग्रेविटी फोर्स से, तो जो यहां पर जो इनका इंटरेक्शन है, जो इनका प्लेसमेंट है, ये चार्जेस की वजह से। फ्लॉकलैंड स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, जब एज टू एज या फेस टू फेस है, यानी कि ये एज टू एज या फेस टू फेस ये, और डिस्पर्स क्या है फेस टू फेस, देखो आप केवल फेस टू फेस टच हो रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं सचिन, कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आप दिख रहा है कि फ्लॉकुलेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें वॉइड्स ज्यादा इंक्लोज्ड हैं, तो स्ट्रक्चर इंक्लोजेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन कंपैरिजन विद डिस्पर्स स्ट्रक्चर। क्ले के ही स्ट्रक्चर हैं दोनों, फ्लॉकुलेटेड भी और डिस्पर्स भी। ठीक है, इफ क्ले इज रीमोल्डेड फ्लॉकलैंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट इन टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर, एक जगह से उठा के अगर दूसरी जगह रखी क्ले मैंने, तो इट मे बी पॉसिबल कि फ्लॉकुलेशन इसका ये जो जो स्ट्रक्चर है ये टूट जाए और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। कॉम्पैक्शन जब करते हैं तो यही करते हैं, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, कॉम्पैक्ट करोगे, दबाओगे, तो यही यही होगा कि फ्लॉकुलेट स्ट्रक्चर टूट के डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन करके बता दो बस, वन एंड टू, वन टू थ्री फोर, बस ये चार क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल फटाफट से करेंगे। ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, कल ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रू बताया ना थोड़ी देर पहले, ट्रू। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करेगा, बाइफरकेट करेगा। ब्लैक कॉटन का सचिन, ब्लैक कॉटन का किसकी वजह से होता है सचिन, दीप्ति, ब्लैक कॉटन का जो नेचर है ये किसकी वजह से होता है, बताओ आंसर फटाफट। आंसर कीजिए, जो ब्लैक कॉटन का स्वेलिंग नेचर है कौन से मिनरल की वजह से है, बताया ना मैंने आपको। ये बताओ किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजली, अभी बताया कैसे होते हैं, थिन एंड वाइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लेकी, फ्लेकी पार्टिकल, फ्लेकी पार्टिकल। ठीक है, अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज, एक ही साइज का पार्टिकल है, वो कैसी सॉइल होती है सर, वो सर सॉइल होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो यहां पर यस यस यस, गुड 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 सचिन, है ना। तो हम आज की क्लास सचिन यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, यू जस्ट गो एंड सर्फ अ लिटिल, है ना, एक बार जाके बस देखो कि क्या है ऑफर करने के लिए वहां पर, क्या आपके हिसाब का है या नहीं है। ठीक है, और फिर कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस सेम मी सेम यू। ठीक है, सो प्लीज स्टे होम स्टे सेफ एंड विल सी यू टुमारो। माय नेम इज दीपक वार्ष्णेय, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको लगता है तो प्लीज कमेंट। ठीक है, कोई सजेशन है प्लीज कमेंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई विल टेक योर लीव नाउ, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।